क्या पहले ही दिन बारिश के बाद तय हो गई है टीम इंडिया की हार? बुमराह के एक बयान से सोशल मीडिया पर मच गया है हाहाकार। जी हां, टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो तीसरा टेस्ट मैच गाबा में खेला गया, उसका पहला दिन बारिश की भेंट चढ़ गया। सिर्फ 13 ओवर फेंके जा सके, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 28 रन बनाए, अभी भी उनका कोई विकेट नहीं गिरा है। बारिश के पहले का जो खेल देखने को मिला, रोहित शर्मा ने टॉस जीता, ओवरकास्ट कंडीशंस थी, बारिश का पूर्वानुमान था, सबको लग रहा था बेस्ट मौका है इस समय ऑस्ट्रेलिया को पटकने का। एकदम ओवरकास्ट कंडीशन में फ्रेश पिच पर आप ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग कराइए और उनको लंच तक आउट कर दीजिए। सबको यही उम्मीद थी कि लंच तक ऑस्ट्रेलिया टीम आउट हो जाएगी, बहुत खतरनाक कंडीशन है भाई। लेकिन उसके बाद जब मैच शुरू हुआ तो टीम इंडिया के गेंदबाज बॉल को लहराने में एकदम नाकाम साबित हो गए, तड़प गए जिसको कहते हैं ना, तरस गए कि बॉल स्विंग हो जाए, थोड़ा सीम हो जाए। देखते देखते ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर 28 रन भी बना गए और 13 ओवर निकाल गए। 13 ओवर के बाद बारिश आ गई और उसके बाद फिर दिन का खेल ही नहीं हो पाया। अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि क्या पहले ही दिन तय हो गई है टीम इंडिया की हार? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया के गेंदबाजों ने अभी से ही हार मान ली है। क्योंकि जसप्रीत बुमराह जिस वक्त बॉलिंग कर रहे थे, उस वक्त वो अपने शायद चौथे या पांचवें ओवर में थे, तो उन्होंने जो है उस ओवर में जब स्टंप माइक के पास से गुजर रहे थे, स्टंप्स के पास से गुजर रहे थे, तो स्टंप में माइक लगा होता है, वो आवाज़ कैद करता है। तो जसप्रीत बुमराह जो है वो बगल में शुभमन गिल से लगातार बातचीत कर रहे थे और उसी दौरान उनके मुंह से निकल गया कि यार कुछ भी कर लूं, कहीं भी कर लूं, स्विंग नहीं हो रहा, हो ही नहीं रहा है। बहुत मेहनत कर रहे थे, वो दिख रहा था कि यार बुमराह और भी नई गेंद से कितने खतरनाक गेंदबाज हैं, आपको पता है। लेकिन अगर बुमराह भी बॉल को स्विंग कराने में नाकाम हो पा रहे थे तो उसकी बड़ी वजह है कि या तो बॉल में कोई दिक्कत थी या तो फिर विकेट एकदम बढ़िया बैटिंग के लिए था और इंडिया से बहुत बड़ी गलती हो गई कि इस विकेट पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग के लिए बुला लिया। और अभी तो भाई 4 दिन पूरे बाकी हैं, अगर गेंद स्विंग ही नहीं हो रहा है, हमारे गेंदबाज ही बिल्कुल हताश होए जा रहे हैं और हताश होकर कह रहे हैं कि कुछ भी कर लूं, कहीं भी कर लूं, बॉल स्विंग नहीं हो रहा, तो जाहिर सी बात है हमारे खिलाड़ियों ने हथियार डाल दिए हैं, उनको समझ में आ गया कि बॉल स्विंग हो नहीं रहा। अब ऐसे में हताश होकर आप क्या ही खेलेंगे? आप उस समय खेलेंगे तो सामने वाला आपको खूब मारेगा। अब दूसरे दिन जब ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी आएगी तब पता चल जाएगा कि इसका कितना असर पड़ा है और कितने रन ऑस्ट्रेलिया बनाएगा। लेकिन हाँ, इंडिया की बॉडी लैंग्वेज देखकर लग रहा है कि इंडिया वालों ने अभी से ही हार मान लिया कि यार कुछ बॉल स्विंग विंग हो नहीं रहा, विकेट कहाँ से निकालेंगे। तो ये बहुत चिंता का विषय है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि अगर उसको अपने बलबूते WTC के फाइनल में पहुंचना है तो बाकी के तीनों मैच ऑस्ट्रेलिया को हराने होंगे। लेकिन अगर हालत ये रहेगी तो आप कैसे हराएंगे? ऐसे में आप बताइए कि आपने भी मैच देखा होगा, आपको क्या लग रहा है कि क्या यहाँ से टीम इंडिया बाउंस बैक कर सकती है, ऑस्ट्रेलिया को जल्दी आउट कर सकती है, या फिर बुमराह का ये कह देना कि यार बॉल स्विंग ही नहीं हो रहा, ये इशारा है कि भाई टीम इंडिया ने हथियार डाल दिए हैं? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।